संसार में हर कोई दुख दुविधा में फंसा हुआ है, कोई भी इस संसार के अंदर खुश नहीं है। ये जीव जब शरीर धारण करता है, जब इसने पहली बार जन्म लिया, तभी से ये दो चीज़ों में फंसा हुआ है, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु का जो इसका सारा का सारा समय है वो इसी में निकल जाता है, मृत्यु के भय में और जीवन की लालसा में कि मैं और लंबी आयु जी सकूँ, मैं और सुख सुविधाएं भोग सकूं, दो चार साल और संसार में रह सकूं, किस प्रकार से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल सके और जितना ज़्यादा हो सके इस शरीर को बचा करके रखूं। इसी में और तो और ये तक सोचते हैं कि अगला जन्म भी मुझे मनुष्य का मिल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, मुझे याद रहे ना रहे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आगे मनुष्य बनने की गारंटी होनी चाहिए। इसका लाभ अनेकों प्रकार के लोग हैं वो उठाते हैं, क्योंकि भावनाओं के साथ खेल जाते हैं लोग। तो जो भी खेल है जीवन और मृत्यु के मध्य में जीव खेल रहा है। जब ये जीव शुरुआत में पैदा होता है तभी रोना शुरू करता है और अंत समय तक रोता ही रहता है। ये जीव जब शरीर धारण किया, जब वहाँ से नीचे आया, ये आत्मा जीव बन गई कि जीने लगी, तो जीव बनने के बाद ये आत्मा रोना शुरू हुई, यानी ये जीव रोना शुरू हुआ और तब से आज तक आगे भी रोता ही रहेगा। आपके मन में ये बात होगी कि हम तो नहीं रोते, हम तो खुश हैं, लेकिन आप लोग भी जीवन में अपने अंदर में हृदय में झांक करके जब देखोगे तो या तो आप अकेले बैठ करके रोते होगे, माँ के सामने रोते होगे, पिता के सामने रोते होगे, बंधु के सामने रोते होगे, परमात्मा के सामने रोते होगे, अपने प्रेमी के सामने रोए होगे, दुख में रोए होगे, किसी और कारण से रोए होगे, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मनुष्य कभी न कभी इसी प्रकार से इन्हीं झंझावातों में फंस करके अपने आप को भूल करके भ्रमवश बस दुख में दुखी होता रहता है। आज से नहीं, कलयुग से भी नहीं, द्वापर से नहीं, जब से ये सृष्टि चली है, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, हर युग में इस प्रकार के दुख होते हैं और मानव इसी प्रकार से झेलता है। इसी कारण से हमारे संतों ने ये बोला है, इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता, जितने भी हैं सब दुखी ही होते हैं और यह संसार दुख के अलावा, कष्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, भोग योनियां हैं। कुछ संतों ने कहा कि जो सिद्ध संत होते हैं वो बच्चे की तरह से होते हैं। आपके मन में भी आता होगा कि बच्चे तो खुश रहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 5-10 साल के होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन वो भी ना भय से मुक्त होते हैं ना वो चिंता से मुक्त होते हैं। आप देखना, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास लेकर के आते हैं, वो पूरा दिन रोते रहते हैं, कोई बच्चा पूरी रात रोता रहता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है कभी कोई दर्द महसूस होता है, कभी कोई रोग सताता है, कभी कोई परेशानी आती है, कभी कोई इसको परेशान करता है, कोई इसको मारता पीटता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ उसको स्कूल भेजने लगते हैं बच्चे को,
तो स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं, आपने देखा ही होगा कि जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं 10-20 दिन की, तो बच्चे कितना आसानी से स्कूल जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं कि किसी न किसी तरह से स्कूल से पीछा छूट जाए। मेरे पास एक बच्चे को ले करके आए और बोले कि जी ये बच्चा कि हमारे पिताजी बीमार हुए और वो रोने लगे, ज़्यादा दर्द था उनको, ज़्यादा कष्ट था। कि बच्चे ने पूछा कि मम्मी दादाजी को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं क्या? तो जो ये अंदर में होता है भय, यानी उसके अंदर भी एक भय है कि हर कोई स्कूल से दुखी है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं अगर उनको का सोचा हुआ काम हो जाए, कि बच्चों का हृदय कोमल होता है, जो सोचेंगे वही हो जाएगा, फिर तो वो अपने सारे टीचरों को निपटा ही देंगे। हर बच्चे यही सोचते हैं कि नहीं, आज टीचर नहीं आना चाहिए, बीमार हो जाना चाहिए, परेशान होना चाहिए, हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये बचपन की चीज़ें हैं, आप सब इसी के अंदर से गुजर करके आए हो, हम भी इसी स्थिति से गुजर करके आए हैं। आपको महसूस होती हैं, बस मेरे बोलने से वो अनुभव होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं जीवन में, लेकिन हम इन चीज़ों को अंदर से अनुभव करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और संसार में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, जीव को कैसे समझाया जा सकता है, कितना सरल तरीका हो कि वो परमात्मा के मार्ग के ऊपर चले, वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन अब लोगों में और ज़्यादा दुविधा हो गई कि निराकार को माने साकार को माने। बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किए कि जी निराकार को माने या साकार को माने, ध्यान किसका करें? जिन्होंने नाम नहीं लिया, जिन्होंने ध्यान करना शुरू नहीं किया, वो लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, इस प्रकार के सवाल उनके मन में उठते रहते हैं और तूफान मचा देते हैं कि गुरुजी कभी तो साकार का वर्णन करने लगते हैं, कभी तो कृष्ण जी का वर्णन करते हैं, कभी राम का करते हैं, कभी आत्मा का वर्णन करते हैं, कभी परमात्मा का वर्णन करते हैं। बड़ी दुविधा हो गई है तो कि कहाँ भागे और कैसे रुके। कुछ दिन जब राम के विषय के ऊपर बात होती है, जिन्हें नाम नहीं मिला वो राम का ध्यान करने लगते हैं कि शायद राम ही कुछ बड़ा हो और इनसे ही कुछ मिल जाए। अगली बार जब सत्संग होता है, सत्संग में कृष्ण की चर्चा हो जाती है तो उसके विषय के ऊपर बोला जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, राम से बात नहीं बनेगी, मैं तो कृष्ण को ही याद करूँगा। फिर बैठ करके कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं, फिर दोनों का काम शुरू हो जाता है, फिर वो हरे कृष्ण हरे राम करने लगते हैं। बड़ी दुविधा है जीवन में, एक जगह ठहराव नहीं, नाम में भी ठहराव नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि मानो सोचता है कि नाम में भी ठहराव नहीं है, तो फिर ये सोचने लगते हैं, फिर कभी बात होने लगती है आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व की, उस परमात्मा की, तो वो पता चलता है उसका तो कोई रूप ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, वो तो अलग ही तत्व है। फिर उनको ये होता है कि अब किसको छोड़े किसको पकड़े। तो जिन्होंने नाम मिला हुआ है उनके लिए तो सब सरल है, उन्हें तो पता है कैसे क्या विधि है, कैसे करना है, कैसे चढ़ाई है, कहाँ रुकना है, कहाँ घाटी आएगी, कहाँ पहुँचना है, उन्हें तो पता है सब कुछ। लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनके लिए बड़ी दुविधा है कि अब क्या करें कैसे करें। तो इस प्रकार के लोग बहुत दुविधा में रहते हैं और बार बार, क्योंकि संगत बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है,
तो इस कारण से इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, तो वो बेचारे इसी उलझन में रहते हैं कि कैसे जवाब मिले। और मैं जवाब दे भी देता हूँ तो बहुत बार मैंने पीछे जवाब दिए हैं तो वो हो सकता उससे मैं ना आए हो, ये भी दुविधा है क्योंकि हर रोज नए लोग आ रहे हैं। इस कारण से आप ये बात समझो कि ये शुरुआत साकार से हो करके और पूर्णता निराकार के ऊपर होगी। अगर कोई मात्र साकार में फंसा हुआ है और कोई मात्र निराकार में अटका हुआ है, उन्होंने उसको पूर्ण प्रकार से पूरी तरह से हृदय में स्वीकार नहीं किया है। और जब तक उस परम तत्व को हृदय से स्वीकार नहीं करोगे तो वो बेचारे आधे अधूरे हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उन्हें परेशानी ही रहेगी क्योंकि उन्हें बहुत दुविधा है। वो अपने आप में तैयार भी नहीं है ये मानने के लिए। अगर आप जा करके किसी मंदिर में बोलो कि परमात्मा निराकार है, वहाँ बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी निराकारवादी के सामने बोलो कि परमात्मा तो साकार है, तुम गलत साबित कर रहे हो, वहाँ भी बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो इस कारण से जो समर्थ होते हैं, जिन्हें परमात्मा गुरु के रूप में चुनता है, उन्हें दोनों तरह का ज्ञान करा करके भेजता है। वो बाह्य आडंबर से दूर हो करके आपको साधारण मनुष्य की तरह आपके जैसे ही आपके बीच में ही आपकी तरह रहने वाले, आपकी तरह जीने वाले, कोई अलग से किसी प्रकार का दिखावा नहीं, कोई अलग से कुछ भी नहीं, वो आप सबके बीच में रहते हुए मिलेंगे। ये आप समझ लेना, ये बिल्कुल निश्चित लिखी हुई चीज़ें हैं, हमारे संतों के द्वारा बोली गई चीज़ें हैं, हमारे संतों के द्वारा ये निश्चित की गई चीज़ें हैं कि वो आपके बीच में ही रहेंगे। ये सब की सब चीज़ें निश्चित है और पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या खुशी है, क्या प्राप्ति है, इन्हें क्या अनुभव है, कहाँ की स्थिति है, नहीं अनुभव हो पाएगा क्योंकि वो अपनी स्थिति को प्रकट नहीं करते। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो तभी प्रकट करेंगे। जिसके सामने चाहेंगे उसी के सामने अपना राज, अपना भेद खोलेंगे। नहीं तो आप देखो, जितने हमारे संत महात्मा हुए, जाने के बाद सब प्रकट हैं। जब वो यहाँ रहते थे, आप लोगों की तरह से साधारण ही काम करते हुए दिखते थे, साधारण तरीके से ही रहते थे, साधारण जीवन जीते थे, साधारण तरीके से खान पान रहता था, सबके बीच में ऐसे ही सोते थे, सब प्रकार से ऐसे ही चल रहा था जीवन। पता भी नहीं होता था कि ये इतनी ऊंची श्रेणी के महात्मा है, इतनी उच्च कोटि के साधक हैं, संत हैं, पता भी नहीं चलता था। लेकिन समय के साथ साथ उनके शिष्यों ने उनकी पहचान करा दी। और पहचान कैसे करा दी, जब साधना सिखाई उन्होंने, जिन जिन के सामने उन्होंने अपने रहस्य खोले, जिनके सामने रहस्य खोले, वो उसी का रूप हो गए और जगत की संसार उनके पीछे पीछे भागने लगा। वो इसी कारण से अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, साधारण तरीके से जीवन में रहते हैं ताकि जीव को पता ना चले, एहसास ना हो कि कोई दिव्य आत्माएं आसपास हैं। लेकिन एहसास हो जाता है क्योंकि आत्मा से आत्मा का मिलन है और वाइब्रेशन के कारण से, एनर्जी के कारण से जहाँ भी जाओगे, ना बताओगे तो भी कुछ न कुछ एहसास हो जाएगा
लेकिन जितना छुपा करके रखोगे, जितना इसको रोक करके रखोगे, साधना उतनी ही मजबूत होगी।